बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारी उर्दू की बुक का चौथा लेक्चर है, यूनिट नंबर 4, औस आज़म की सच्चाई। हमने कल इसके सवाल जवाब पहला और दूसरा किया था। आज हमारा सवाल नंबर 3 है, आपकी वालदा ने आपको क्या नसीहत की। इसका जवाब है, आप की वालदा ने आप को सच बोलने की नसीहत की। सवाल है हमारा, आपकी वालदा ने आपको क्या नसीहत की। आपकी वालदा ने आपको सच बोलने की नसीहत की। सवाल नंबर 4 है हमारा, सरदार पर सच बोलने का क्या असर हुआ। सरदार ने तौबा कर ली और काफले का सारा लूटा हुआ माल वापिस कर दिया। सवाल नंबर 4 है हमारा, सरदार पर सच बोलने का क्या असर हुआ। सरदार ने तौबा कर ली और काफले का सारा लूटा हुआ माल वापस कर दिया। देखा बच्चों कि अगर हम सच बोलते हैं तो क्या होता है, इतना उस पर असर हुआ कि वो जो डाकुओं का सरदार था उसने तौबा कर ली और काफले का सारा लूटा माल वापस कर दिया। तो ये किसकी बदौलत हुआ, सच, बच्चे के सच बोलने की बदौलत हुआ। आप भी हमेशा सच बोला करें, झूठ से दूर रहा करें, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। आज के ये 2 सवाल मैंने करवाए थे, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये आपने अपनी होमवर्क की कॉपी पे लिखना भी है, इसको याद भी करना है सवालों को। अल्लाह हाफिज़।